हेलो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स राजगौर कास्टर डेरिवेटिव्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे टू का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे दे वन में क्योंकि तो आज इस डे वन में इस कंपनी में क्यू से बहुत ही स्ट्रॉग सब्सक्राइब किया गया जो कि हम लोग देखेंगे कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है जीएम कितना चल रहा है लिस्टिंग कितना मिलेगा अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो भाई ये जो आईपीओ है सत्रह अक्टूबर को ओपन हुआ था अब बीस अक्टूबर को क्लोज हो रहा है मतलब कि तीन दिन का आईपीओ है ये है फोर डे आईपीओ पी ओ सत्रह अठारह उन्नीस बीस चार दिन का आईपीओ और ओर सेकेंड डे का ओपन हो रहा है फोर्टी सेवन पॉइंट एट वन करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ कॉम्बिनेशन है जिसमें से फोटी करोड़ का फ्रेश इशू और थ्री करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया है अलॉटमेंट डेट रखा गया 26 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया 31 अक्टूबर का एन एस सी एस एम पे लिस्टेड होगा ये जो आईपीओ टी प्लस सिक्स टाइमलाइन को फॉलो कर रही है लिस्टिंग के लिए और ये जो से क्लोज होने के बाद इसका जो सो लिस्टिंग डेट प्रीपोन किया जा सकता है क्योंकि अभी ज़्यादातर आई पी ओ टी प्लस थ्री डैम लाइन को ही फॉलो कर रहा है यहाँ प्राइस बैंड है फोर्टी सेवन टू फिफ्टी रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का थ्री थाउजेंड शेयर की लॉट साइज है बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स इसके लीड मैनेजर लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार एस्पेर डेक्स सिक्योरिटी इसके मार्केट मेकर है प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू हंड्रेड परसेंट का एंकर इन्वेस्टर से थर्टीन पॉइंट फाइव सिक्स करोड़ का फंड रेज कर चुकी है अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो क्यू आई बी से टेन पॉइंट सेवन सिक्स टाइम्स का सब्सक्राइब किया है जो कि कह सकते हैं क्यू आई बी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है डे वन में, में एच एन आई से वन पॉइंट फोर नाइन टाइम्स का फुल्ली देखने को मिल रहा है और रिटेल से फाइव पॉइंट सिक्स सेवन टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला अच्छी सब्सक्राइब किया गया मैं यहाँ पे सिर्फ एच एन आई में उतना ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन क्यू आई बी और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है टोटल है सिक्स पॉइंट वन सिक्स टाइम्स का कह सकते हैं छह गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है जी चल रहा है टेन रुपीज़ का फिफ्टी का प्राइस बैंड है सिक्सटी पे लिस्टिंग होने के चांस है और ट्वेंटी परसेंट की प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है मतलब लिस्टिंग इन जो है ट्वेंटी परसेंट का मिलने के चांसेस है बिजनेस की बात करें 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था कास्टर ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट के लिए मैन्यूफैक्चर करती है कंपनी के तीन तरह की प्रोडक्ट की लिस्ट है जो कि फर्स्ट है रिफाइंड कास्टर ऑयल फर्स्ट स्टेज ग्रेड जो कि एफ एस जी कहा जाता है और ये का एक तरह कास्टर ऑयल जो है ना ये कास्टर ऑयल ब्लिच्ड है जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का मतलब कि कास्टर ऑयल ब्लिच्ड है और ये यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट्स पेंट्स फार्मास्यूटिकल्स केबल इंसुलेटर्स सीलेंट्स इंक्स रबर एंड टेक्सटाइल्स एक्टैट्रा इन सभी सेक्टर में इसको यूज किया जाता है और ये जो मतलब कि इसके साथ साथ ये यूज़ होती है रिलीफ कॉन्स्टिपेशन आई ग्रोथ कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने में यूज़ किया जाता है आई लेस को ग्रोथ करने में हेयर ग्रो स्किन मॉइस्चराइजर एड को करती है जिससे इम्यूनिटी फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सके और ये फूड ग्रेन्स में भी जो सो अप्लाई किया जाता है जिससे फंग इंसेक्ट्स और फंगी से प्रोटेक्ट किया जा सके इसके जो सो कास्टर्ड ऑयल के थ्रू किया जाता है और दूसरा है कास्टर्ड डी ऑयल्ड केक ये यूज प्रोड्यूस कहता है का सीड्स को क्रश करके और ये एक्सपेले एक्सपेलर में जो है सो क्या है और इससे जैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कास्टर सीड्स ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे कंट्रोल टेम्परेचर पर और ये स्टीम के हेल्प से किया जाता है और ये जैसे यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर में क्योंकि इसमें हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरिक एसिड पोटैश और मॉइस्चर रिटेंशन है इसके कारण और थर्ड है हाई प्रोटीन कास्टर डी ऑयल्ड केक ये एक तरह का ऑर्गेनिक मैन्योर है जिससे जो कि सॉइल को बिना किसी डैमेज या डी के बिना किसी डैमेज या डी के, के, के जो है सॉइल को फर्टिलिटी करने में इन्हांस करती है प्लस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बस बनस कंथा और इकतीस जुलाई तक कंपनी के पास अराउंड सिक्सटी एम्प्लॉयज की टीम है कंपनी के क्लाइंटल जो है ये लुब्रिकेंट्स पेंट्स फार्मास्यूटिकल्स केबल इंसुलेटर सीलेंट्स इंक रबर एंड टेक्सटाइल्स फार्मर्स से के मैन्युफैक्चरर्स आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पोल्ट्री फार्म्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के भी मैन्युफैक्चरर इसमें जो है सो इस कंपनी के क्लाइंटेल है क्लाइंट्स हैं अगर हम इसके फिनांशियल की बात करें ट्वेंटी में वह फोटीन पॉइंट नाइन करोड़ का रेवेन्यू है और नाइन्टी सेवन लैक्स का लॉसेस है ट्वेंटी वन में इलेवन करोड़ का रेवेन्यू है वन पॉइंट एट करोड़ का लॉसेस है ट्वेंटी तो टू में फोर्टी पॉइंट नाइन करोड़ का रेवेन्यू है प्रॉफिट है फिफ्टी टू लैक्स का ट्वेंटी थ्री में फोर हंड्रेड ट्वेंटी एट पॉइंट एट करोड़ का रेवेन्यू है प्रॉफिट है फाइव पॉइंट फाइव करोड़ का ट्वेंटी फोर में मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर ट्वेंटी फोर में वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट सेवन करोड़ का रेवेन्यू है प्रॉफिट है वन पॉइंट नाइन करोड़ का देखिए पास्ट में कंपनी को लॉसेस देखने को मिला ट्वेंटी वन ट्वेंटी में और लेकिन जो कि कोविड पीरियड का टाइम था लेकिन कोविड पीरियड के बाद कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला है जो कि इस बार का 22 टू कम्पेरिजन और ट्वेंटी में रेवेन्यू 948 परसेंट के साथ ग्रोथ किया है और प्रॉफिट 962 परसेंट के साथ और यहाँ पे कंपनी जो है तो रिसेंटली 24 के एनुअलाइज फिनेंशियल अगर करेंगे तो बहुत ही इस स्ट्रॉन्ग इसका फाइनेंशियल देखने को मिला है अगर हम इसके कुछ रिस्क भी है रिस्क क्या है गाइज तो हम लोग उसके एक बार देख लेते हैं तो ये जो बिजनेस है सब्जेक्ट टू सीजनल वो पर बिजनेस है और रेवेन्यू के लिए जो है सो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है गुजरात के ऑपरेशन में और अगर हम बात करें तो हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है पास्ट में लॉसेज देखने को मिल चुका है पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट में क्या प्रेजेंट में भी नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है यहाँ पर आप तो स्क्रीन पर देख सकते हैं तो थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है ये किस तरह का समझिए तो कास्टर ऑयल रिलेटेड डेरिवेटिव्स को जो है सो बिजनेस करिए जो कि एक ह्यूज एंड ग्रोइंग डिमांड है कास्टर्ड ऑयल का और ये जो कंपनी जो है ऑपरेशन जो है पैंडमिक के बाद कंपनी का जो ऑपरेशन बहुत तेजी से ग्रोथ किया है जिसके कारण कह सकते हैं एक तरह का फ्यूचर के लिए एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट भी जैसे अपना एक पोजिशन बना रखी है मार्केट में और 24 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट फुल्ली रखा गया तो आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मीडियम टर्म में थोड़ा सा रिस्की है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग के लिए भी अपलाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि क्यू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया टेन टाइम्स का तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल बाय बाय